नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम सार्थक प्रयास करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह कार्य हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अर्थात MPPSC द्वारा आयोजित AE सिविल की परीक्षा, जिसका एग्जाम 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके पेपर में सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट ए में हमने सेट ए जो हमारे पास उपलब्ध है उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आगे के 50 क्वेश्चंस हम पार्ट टू में सॉल्व करेंगे। इस पार्ट टू में हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फ्लूड मैकेनिक्स और रेलवे इंजीनियरिंग के। आइए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तीन तरह के टाइम एस्टीमेट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। प्रोजेक्ट में हम जब ही आशावादी रहेंगे, जब सभी काम क्या रहे, सभी कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हों, आइडियल कंडीशन यदि प्रिवेल कर रही हैं, तब हमारा प्रोजेक्ट में जो टाइम लगेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। और ऑप्टिमिस्टिक कब रहेगा, जबकि हमारा टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। पेसिमिस्टिक टाइम जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम टाइम रहता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एन एक्टिविटी कुड टेक टू कंप्लीट, ये तो हमारा हो जाएगा आपका पेसिमिस्टिक टाइम, क्योंकि ये निराशावादी है। पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, तो इसमें अधिकतम समय लगेगा। द एवरेज टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा, एवरेज टाइम लेते नहीं है यहाँ पर। द एस्टिमेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम अंडर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन के अंदर जो मिनिमम टाइम लगता है वही हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। जो डी है उसमें दिया है टाइम एस्टिमेट विच लाइज बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, उसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट, तो ये डी जो है वो है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम इन PERT। जैसा कि पहला क्वेश्चन था तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम से हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये जो रहता है, द ऑप्शन ए में दिया है द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो ये जो 102 जो क्वेश्चन है इसमें 102 में दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम ही बोलते हैं। बी है द एवरेज
ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एवरेज तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट लाइकली टाइम का क्या है, 4 टाइम्स लेते हैं, तो यहाँ पर इसलिए एवरेज नहीं बोलते। यदि टी ओ प्लस टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 3 होता तब हम ले सकते थे द एवरेज। नेक्स्ट ऑप्शन है द टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी विद द हाइएस्ट प्रॉबिलिटी। तो यही आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉबिलिटी बेस्ड कंसेप्ट है और प्रॉबिलिटी ऐसा टाइम जिस समय पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, अधिकतम संभावना होती है इस टाइम में प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन डी सी करेक्ट हुआ, द लॉन्गेस्ट टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी तो कहलाता है अपना पेसिमिस्टिक टाइम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रैश टाइम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्रैश एक नॉर्मल टाइम होता है और क्रैश टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो वो हमारा टाइम रहेगा हमारा नॉर्मल टाइम। इट इज द मैक्सिमम अलाउबल टाइम फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी। ये तो प्रोजेक्ट का टाइम निकालते हैं वही होगा। इट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी यूजिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। हमारे पास जो अवेलेबल एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं उनके उनका यूज करके हम किसी एक्टिविटी में को कितना क्रैश करके उसके समय को बचा सकते हैं। तो जो मिनिमम टाइम होता है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अप्लाई करके वही हमारा क्रैश टाइम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन भी, इट इज द टाइम बिहाइंड विच एन एक्टिविटी कैन नॉट बी शॉर्टेंड। ये भी सही है, लेकिन इसमें भी क्या है, इस टाइम से कम एक्टिविटी को शॉर्टेंड नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये जो है इनकम्प्लीट है बाई, इसमें साथ में ये जोड़ना पड़ेगा कि बाई यूजिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। इसलिए मानते हैं कि मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज एक्सटेंडिंग द बूम ऑफ ए क्रेन हैविंग ऑन इट्स लोड रेटिंग। जो क्रेन होती है, क्रेन में बूम बूम जो रहता है उसके सहारे हम क्या करते हैं, ये आपका हाइड्रोलिक तरीके से इसकी लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो जब इसकी लंबाई बूम की ज़्यादा होती है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बूम, बूम की लंबाई बढ़ाने पर लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंक्रीज द लोड रेटिंग, नो इट डज नॉट इफेक्ट द लोड रेटिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, इट डिक्रीज द लोड रेटिंग। नेक्स्ट, भाई आर डिटेचेबल कर्व प्लेट एंड स्पाइक्स यूज इन ट्रांसपोर्टिंग ए सी फुट रोलर। सी फुट रोलर जो होता है वो हमारी क्ले सॉइल के कॉम्पैक्शन में काम आता है और उसमें क्या रहते हैं, स्पाइक्स रहते हैं। अब ये स्पाइक जब जो रोलर है उसका वेट ज़्यादा होता है और स्पाइक्स वाले रोलर के ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इसको रोड से लेकर के जाएंगे हाईवे पर तो ये स्पाइक इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और रोड को क्या है, खराब कर देंगे। तो इसलिए इसमें जो व्हील के ऊपर कर्व प्लेट से बना हुआ डी अटैचेबल पार्ट होता है जिसमें स्पाइक्स लगे रहते हैं, जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये पोर्शन को हटा देते हैं और फिर अंदर का पोर्शन स्मूथ आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, टू प्रिवेंट
डैमेज टू द एग्जिस्टिंग ट्रैक, एग्जिस्टिंग ट्रैक को डैमेज होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लोड्स एडजस्टेड ऑन द व्हील्स ऑफ स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ व्हील्ड रोलर में पीछे यदि आपके दो व्हील रहते हैं और आगे जो रहता है सिंगल व्हील रहता है वो ड्रम टाइप का होता है। वो जो ड्रम टाइप का व्हील होता है आगे वाला वो हॉलो रहता है, हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। अब यदि हमको रोलर का वेट बढ़ाना है तो हम इसके अंदर या तो वाटर का या सैंड या ग्रेवल, जो भी जितना वेट बढ़ाना है उस हिसाब से इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए स्मूथ व्हील्ड रोलर में लोड को एडजस्ट करने के लिए क्या आंसर रहेगा, बाई फिलिंग द व्हील विद सैंड ग्रेवल और वाटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में चार कंपोनेंट होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो दोनों हैं ये हमारा सबसे, ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ और हार्डनिंग का काम करते हैं। इसमें सबसे कम जो रहता है कैल्शियम सल्फेट, तो आपका यूज ही नहीं करना है, चौथा दिया नहीं है। तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है यही आपका क्या है, सबसे कम स्ट्रेंथ देता है। तो आपका ऑप्शन सी हुआ करेक्ट। विच कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए और बी करेक्ट हुआ और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है तो ये भी देता है, लेकिन चूंकि कैल्शियम सल्फेट इसमें मिलाया ही नहीं जाता है आपका, तो ये आपका क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द लीच एटेलियर एपरेटस यूज इन द साउंडनेस टेस्ट। लीच एटेलियर टेस्ट के द्वारा हम साउंडनेस को मीजर करते हैं। अब ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और इसमें यहाँ पर जो ओपनिंग रहती है वहां पर एक नीडल रहती है, और जब हम सीमेंट साउंडनेस टेस्ट करते हैं और जब इसको पानी मिलाते हैं तो लाइम की वजह से एक्सपेंशन हो जाता है, तो ये जो यहाँ का गैप क्या है बढ़ जाता है। तो लीच एटेलियर एपरेटस द्वारा साउंडनेस टेस्ट करने के लिए इसी एक्सटेंशन को मीजर करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, टू मीजर द एक्सटेंशन ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट शेप रिजल्ट इन द हाईएस्ट वॉइड्स इन कंक्रीट। राउंडेड एग्रीगेट जो रहते हैं उनके अंदर मिनिमम वॉइड होते हैं, मिनिमम वॉइड होते हैं, वो कितना रहते हैं अपने 32-33%, 32-33% वॉइड्स रहते हैं। और सबसे ज़्यादा वाइड ऐसे जैसे एंगुलरिटी बढ़ती जाती है तो वाइड्स बढ़ते जाते हैं, तो एंगुलर जो होते हैं इनके अंदर मैक्सिमम वाइड होते हैं, तो 38-40%। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हुआ अपना, व्हाट इज द रिकमेंडेड लिमिट फॉर एयर एंट्रेनमेंट इन कंक्रीट टू अवॉइड डिक्रीजिंग ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से 4-5% ये मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं किसी कोड में दिया हो, या तो अप टू 2% होगी या अप टू 4-5% होगी, नॉर्मली इससे ज़्यादा वाइड नहीं रहना चाहिए। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज बीओडी ऑफ सीवेज सैंपल हूज 5-day बीओडी एट 20°C इज 100 mg पर लीटर। एज्यूम डी ऑक्सीजनेशन कोफिशियंट। अब यहाँ से जो अपने हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं।
यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के 10 क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद आ गए हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के। अब 5 डे BOD दी हुई है 100 mg/L। यदि आप ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निकालना है अल्टीमेट BOD, तो 5 डे BOD पढ़ रखा है आसानी से कि 2/3 या 68% होती है अल्टीमेट BOD की। तो इसका मतलब हुआ कि अल्टीमेट BOD 5D BOD के लगभग 3/2 टाइम्स होती है, तो ये लगभग आंसर आना चाहिए 150, क्योंकि यहाँ पर आसपास की वैल्यू दी नहीं है, तो इनको हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे और ऑप्शन सी करेक्ट होता था। लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है YT मतलब BOD 5 इन डेज इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD 1 माइनस 10^-KD (T). ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमको अल्टीमेट BOD निकालना है और BOD 5 जो है उसी को बाई 5 बोलेंगे, तो ये हमारी हो जाती है 100 इज इक्वल टू L 1 माइनस 10^-0.1। डी ऑक्सीजनेशन कॉफिशियंट KD दिया हुआ है 0.1 और टाइम, यहाँ पर टी टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर टी क्या है टाइम, तो ये 5 हो गया राइट। यदि डी ऑक्सीजनेशन कॉफिशियंट यदि अपना 0.1 हो तो ये वैल्यू हमारी इस ब्रैकेट की सॉल्व करते हैं तो हमेशा आती है 0.684, इसी से बना हुआ है वो 68%। अब यहाँ से हम L निकाल सकते हैं, ये हुआ 100 के बराबर, तो L इज इक्वल टू 100/0.684, इसका मतलब हुआ ये आपका 146.2 mg/L। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है इसलिए हमको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर वाइंडिंग फिनोमेना, एयर ये वाटर सप्लाई का क्वेश्चन है, पहला जो था वो सीवेज का था, ये वाटर सप्लाई का हो गया। इन एयर वाइंडिंग फिनोमेना एयर वाइंड द फिल्टर एंड स्टॉप्स इट्स फंक्शनिंग, दिस ऑकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, आप पहला ऑप्शन दिया है मड वाल्ट एंड स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा है आपका निगेटिव, तो जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर होते हैं उसमें निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है और निगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो डिजॉल्व एयर होती है, जो वाटर होता है पानी के अंदर की डिजॉल्व एयर निकलने लगती है और वो जो सैंड है उसके चारों तरफ क्या है चिपक जाती है बाहर निकल के, और इससे वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोकती है, तो यही हमारा कहलाता है आपका एयर बाइंडिंग फिनोमेना। सैंड पार्टिकल एयर से बाइंड हो गए और ये एयर कहाँ से आई है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व थी और उसको वजह क्या हुआ, निगेटिव प्रेशर का क्रिएट हो जाना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ए कलर्ड लिक्विड कंटेनिंग क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक कंपाउंड, ए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉन एज लीचेट इज कलेक्टेड फ्रॉम, ये लीचेट होते हैं जो आपके जब हम म्यूनिसिपल MSW को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जमीन के अंदर इनके अंदर दबा देते हैं, जिसको बोलते हैं अपना लैंडफिल्स। अब इनके अंदर दो तरह के होते हैं मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल और कुछ कुछ क्या पहुंच जाता है साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं ये
यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेबलाइज नहीं होते हैं। और जब किसी वजह से नीचे से पानी बढ़ता है या ऊपर रेनी वाटर पानी आता है तो इनके साथ में एक कलर्ड लिक्विड निकलना लगता है, तो इसी को बोलते हैं लीसेड। तो ये किस में होता है, जब हम MSW को सैनिटरी लैंडफिल करते हैं, जब इनके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, सैनिटरी पेंट, पेंट्स वगैरह, केमिकल्स, ये चीज़ें पहुंच जाती हैं, तब ये हमारा लीसेट निकलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉरिजेंटली फ्लोइंग रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक विथ कंटिन्यूस फ्लो टेक्स टाइम, टाइम निकालना है टू फिल द टैंक, ठीक है, इस टैंक को फिल करने के लिए कितना समय लगेगा। फिल द टैंक व्हेन देयर आर नो ओवरफ्लोज, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, एज्यूम क्यू क्या है, डिस्चार्ज, क्यू डिस्चार्ज है, देन एल लेंथ ऑफ द टैंक, बी विथ ऑफ द टैंक, एंड एच इज द डेप्थ ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच, और जो जो हमारा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज या फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, तो टी निकालना है, टी इसको भरने में कितना समय लगेगा, जो टैंक का वॉल्यूम होगा, एल वी एच डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 114 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहोल्स आर जनरली लोकेटेड एट, मैनहोल्स जो सीवर सिस्टम होता है उसमें मैनहोल्स का प्रयोग करते हैं, और ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ऑल द जंक्शन ऑफ डिफरेंट सीवर, जहाँ पर अलग अलग तरह के सीवर मिलते हैं वहाँ पर मैन होल बनाना है, स्ट्रेट में भी बनाना है, स्ट्रेट में जहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा तब भी हमको मैन होल प्रोवाइड करना है, इसके अलावा जहाँ पर बेंड होगा वहाँ पर भी हमको प्रोवाइड करना है, तीसरा जहाँ पर ग्रेडियंट चेंज हो रहा होगा वहाँ पर भी हमको एनी चेंज ऑफ ग्रेडियंट इन सीवर लेंथ, एनी चेंज ऑफ डायमीटर इन सीवर, यदि सीवर का डायमीटर चेंज हो रहा है आपका अलग अलग डायमीटर के सीवर है तब भी मैनहोल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। एज पर गॉडरिच फॉर्मूला, एज पर गॉडरिच फार्मूला द मैक्सिमम मंथली डिमांड फॉर वाटर सप्लाई, किसके लिए पूछी गई है, मंथली डिमांड के लिए, फॉर वाटर सप्लाई ऑफ एवरेज मंथली डिमांड, यदि एवरेज मंथली डिमांड को हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं जो कि हमें मिलता है गॉडरिच फार्मूला से, उससे हमारा मैक्सिमम मंथली डिमांड आ जाती है। तो ये गॉडरेज का फार्मूला क्या था, कि मैक्सिमम डिमांड का जो परसेंटेज है वो एवरेज डिमांड की कितनी होती है, इसके निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था 180 टी पावर माइनस 0.10। यहाँ पर टी क्या है, टाइम इन डेज, ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मंथली, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है हमारी टी इज इक्वल टू हो जाएगा मंथ के लिए 30 डेज, 180 इंटू टी के लिए हो गया आपका 30 पावर 0.10, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 128%। तो इस तरह से ये हमारी एक दिन रखेंगे तो हमारा 188% आ जाएगा, 7 दिन रखेंगे तो 148 आएगा शायद, और
आपका 30 दिन पर ये फैक्टर हो जाता है आपका 128%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद प्रड्यू जी ने बायोलॉजिकल एरिएशन सिस्टम इज हैविंग हैविंग मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड MLSS एंड मिक्स्ड लिक्विड, ये आपका सीवेज सैनिटरी इंजीनियरिंग का है और ये बहुत ही MLSS एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, हैविंग मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड एज 2500 mg पर लीटर एंड सेटल्ड स्लज वॉल्यूम इज 200 ml इन 1 लीटर। तो जो हमारा कैलकुलेट द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द सैंपल SVI निकालना है, और SVI में हमको छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे। तो ऊपर रहता है वॉल्यूम और ये आप यदि लेते हैं ml पर लीटर में, वॉल्यूम किस में रहेगा ml पर लीटर। सेटल्ड स्लज का जो वॉल्यूम है वो हो गया हमारा VOV, ये है हमारा 200 डिवाइडेड बाय रहता है आपका XOV, VOV डिवाइडेड बाय XOV। XOV जो है वो हमारा मास है, वेट हैगा, और ये किस में रहेगा आपका mg पर लीटर, तो ये हो गया mg पर लीटर। तो इसको डिवाइड किया 200 डिवाइडेड बाय 2500, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आएगी, लीटर लीटर कैंसिल हुए तो ml पर mg, ठीक है। अब यहाँ पर ml पर mg देखेंगे, ऑप्शन आपका ml पर ये हुआ नहीं है, तो इससे क्या बचे a और c, ठीक है। अब ये देखेंगे ml पर mg, और यदि ग्राम में कन्वर्ट करें तो 200 गुणे 2500 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पर कितना आ जाता है आपका 1 2 0 कैंसिल हुए और ये 8, तो ये आ गया 80, मतलब हुआ ऑप्शन सी 80 ml पर ग्राम। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, तो 80 ml पर ग्राम। यहाँ पर नहीं हो सकता था ग्राम वाला, यहाँ 80.08 ml पर मिलीग्राम हो सकता था, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कोरोजन ऑफ मेटल पाइप्स यूज्ड इन वाटर सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग लाइम और पाउडर चाक। कोरोजन एसिडिक मटेरियल की वजह से होता है और यदि हम उसमें पाउडर चाक या लाइम मिला देते हैं तो pH वैल्यू इंक्रीज, तो एडिंग लाइम और पाउडर चाक इंक्रीज द pH वैल्यू, एसिडिक से बेसिक हो जाता है वाटर और उसको क्या है रोकता है कोरोजन को। एडिंग सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, जो पाइप के अंदर सी वाटर पाइप होते हैं वाटर सप्लाई में, तो यहाँ पर छोटे छोटे दाने से गड्ढे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबर कोलेशन, और यदि इस केमिकल का प्रयोग किया जाए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये क्या करता है रिड्यूज द ट्यूबर कोलेशन। इसलिए हम इन दोनों चीजों का जो फर्दर क्या करता है हमारा कोरोजन को कम करता है, तो ई और बी दोनों करेक्ट हुए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच पर एन ए क्यू एस 2009
द मैक्सिमम परमिसेबल एनुअल कंसंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM2.5 रिस्पेक्टिवली। PM10 पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं जिनका साइज 10 μm से 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उनको बोलते हैं PM10। और PM2 जो होता है, दूसरा होता है आपका 2.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल कहलाते हैं अपने PM25। ये दोनों ही क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, और PM2.5 और ज़्यादा रहता है। तो PM2.5 की परमिसेबल लिमिट कम रहेगी। अब यहाँ ये वैल्यू हमको याद करना है कि ये जो वैल्यू रहती है PM10 के लिए रहती है 60 μg पर मीटर क्यूब। 1 m³ में 60 μg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PM10 की। और PM2.5 की वैल्यू 40 μg पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार शुड बी द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू टू बी मेंटेन इन रिवर स्ट्रीम टू सस्टेन फिशेज एंड अदर एक्वेटिक लाइफ इन रिवर। तो एक्वेटिक लाइफ में यदि सीवेज को डालने से, डिस्पोजल ऑफ सीवर की वजह से रिवर पॉल्यूट होती है तो रिवर का डीऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाता है, तब भी आपकी किसी भी हालत में उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 4 mg से 5 mg के बीच में रहना चाहिए, जो कि मछलियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो थ्रो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नॉन एज। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन पूछी गई है। यहाँ से जो हमारा क्या है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गया है WRE। तो ये यदि हम देखें कि परमिबिलिटी जो होती है उसका जो रहता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है KIA। यदि हम हाइड्रोलिक, आई क्या है, HYL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी 1 हो और एरिया भी क्या हो हमारा 1 यूनिट हो, तब हमारा K किसके बराबर हो जाता है, Q के बराबर। और Q क्या है, रेट ऑफ फ्लो। तो Q जो हो गया हमारा रेट ऑफ फ्लो थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ले लिया, पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नॉन एज कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी। कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी की डेफिनेशन दी है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ऑप्शन 122 क्वेश्चन, एन इंटरमीडिएट पाइल ऑफ 6 m लेंथ इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 m। तो यहाँ पर ये एन इंटरमीडिएट बीच का पायल है, तो ये हो गया आपका 6 m लेंथ का, इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 m। ये जो दो पायल के बीच की डिस्टेंस है 24 m फ्रॉम द 6 m लॉन्ग अपस्ट्रीम पायल। ये जो पायल है अपस्ट्रीम पायल है, ये जो डायरेक्शन है आपकी अपस्ट्रीम, ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी आपकी, ये इस तरफ हो जाएगी राइटवर्ड। द टोटल फ्लो लेंथ इज 60 m। यहाँ पर जो है उनकी जो लंबाई है फ्लोर की, अप स्ट्रीम से स्टार्ट हुआ और फ्लोर यहाँ तक गया है, वो है आपकी 60 m। देन द करेक्शन वैल्यू एट C1 वैल्यू निकालना है, और रियर पॉइंट ऑफ द अपस्ट्रीम पायल, ये जो कहलाएगा ये अपस्ट्रीम का रियर पॉइंट। तो यहाँ पर हमको C1 की वैल्यू निकालनी है।
रियल पॉइंट ऑफ द अपस्ट्रीम पाइल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज प्रेशर फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल। इस पाइल की वजह से, इस पाइल का म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से करेक्शन फैक्टर C1 की वैल्यू निकाल ली। तो इसका जो है, यदि पाइल रियर में हो, इसका इफेक्ट इस पर देख रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन ही है, राइट वर्ड है, तो ये है रियर। और रियर में जब रहते हैं, निकालते हैं, तो करेक्शन रहता है पॉजिटिव। यहाँ पे चारों वैल्यू ही क्या है हमारी, तीनों ही पॉजिटिव दी हुई है। अब हम निकालते हैं C1। तो ये C1 का फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है, वो रहता है 19 D/B √D/B ब्रैकेट में D+D डिवाइडेड बाई यहाँ पर बी डैश रहेगा और यहाँ पर क्या है B। अब जो 19, ये जिस पाइल का म्यूचुअल इंटरफेरेंस निकालना है वो जो है आपका कहलाता है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी की इसकी डेप्थ कितनी हो गई इस पाइल की, 6 मीटर डिवाइडेड बाय बी डैश, दोनों पाइल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है बी डैश या B1। तो ये डिस्टेंस दी हुई है 24 मल्टीप्लाइड बाय डी, जिस पाइल पर, स्मॉल डी क्या है, जिस पाइल पर म्यूचुअल इंटरफेरेंस के लिए करेक्शन निकालना है। तो स्मॉल डी हो जाएगा हमारा, ये भी क्या है 6 मीटर, दोनों ही 6 दिए हुए हैं, और कैपिटल डी भी हमारा ऑलरेडी 6 मीटर डिवाइडेड बाय बी क्या है, टोटल फ्लोर लेंथ जो कि है हमारी 60 मीटर। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये आया 19 √6/4 का मतलब होगा 1/4 का अंडर रूट, और 6 और 6 12 डिवाइडेड बाय 60, 12 डिवाइडेड बाय 60, 19 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा 1/5। तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब वैल्यू आ गई हमारी 1.9। तो करेक्ट आंसर हुआ 1.90। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चंस की गिनती में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एस्टिमेट एवोट्रांसपिरेशन द एजम्पशन दैट मंथली टेम्परेचर एंड मीन मंथली कंजम्पटिव यूज हैव ऑन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप इज नॉन एज। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका पेनमैन्स फार्मूला, किसी स्टैंडर्ड टेस्ट बुक से आप क्या है चेक कर सकते हैं, पेनमैन्स फार्मूला ही ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन इन हाइड्रो पावर प्लांट मेनली डिपेंड, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए एक बड़े रिजर्वायर की जरूरत रहती है, उस रिजर्वायर को फिलअप करने के लिए पानी की आवश्यकता रहेगी, तो कोल अवेलेबिलिटी तो आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रेनफॉल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैनाल इज टेकन ओवर द नेचुरल ड्रेन, कैनाल को नेचुरल ड्रेन के ऊपर ले गया है, एंड ड्रेन बेड इज जनरली डिप्रेस्ड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नोन। जब कैनाल को, ये आपका सीडी वर्क का क्वेश्चन आया है, सीडी वर्क का क्रॉस ड्रेनिंग वर्क, तो चार तरह के होते हैं आपके, तो जब कैनाल ड्रेन के ऊपर जाती है तो एक बनता है हमारा साइफन एक्वाडक्ट या बनता है एक्वाडक्ट। तो यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें लिखा है डिप्रेस्ड फ्लोर ऑफ साइफन एक्वाडक्ट, तो ये हो गया हमारा साइफन एक्वाडक्ट।
यहाँ पर कैनाल ड्रेन के ऊपर है राइट, और यहाँ पर जो इसका HFL है ड्रेन का, तो इसमें मैक्सिमम पानी रहता है जो कैनाल के बेड के ऊपर है, तब इसके अंदर पानी साइफनिक एक्शन से जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में कैनाल जो है ऊपर है, और आपका यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एक्वाडक्ट होता है, एक्वाडक्ट में कैनाल ड्रेन के ऊपर जा रही है, HFL इसके नीचे है, यहाँ पर साइफनिक एक्शन नहीं होता है, और यहाँ पर जो है ड्रेन का फ्लोर डिप्रेस्ड नहीं है एक्वाडक्ट में। तो डिप्रेस्ड फ्लोर का यूज कहाँ करते हैं हम, साइफन एक्वाडक्ट में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, फिगर को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। एन एस कर्व इज ऑब्टेंड बाई द सबमिशन ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो जो टी दिया है आपका उस वो दिया है 4 आवर, और एरिया फॉर ए कैचमेंट ऑफ 60 किलोमीटर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू दी हुई है आपकी 60 किलोमीटर स्क्वायर। देन द इक्विलिनियम डिस्चार्ज, क्यू यू की वैल्यू पूछी गई है, इक्विवेलेंट डिस्चार्ज, यदि 1 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ मानते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेप्थ क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आपका 2.78 ए डिवाइडेड बाई टी, 2.78 इक्विवेलेंट डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.78 60 डिवाइडेड बाई टी वन, टी वन कितना हो जाएगा अपना 4, ये आ गया 15, 15 को 2.78 से मल्टीप्लाइड किया तो ये आंसर आ गया 41.70 m³/s। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल एंड सिक्वेंस डेप्थ ऑफ ए हाइड्रोलिक जंपर, इफ द इनिशियल एंड सिक्वेंस डेप्थ ऑफ ए हाइड्रोलिक जंप आर 1.2 मीटर एंड 3.6 मीटर, मतलब हो गया आपका इनिशियल मतलब y1 इज इक्वल टू हो गया अपना 1.2 मीटर, और y2 इज इक्वल टू हो गया 3.6 मीटर। तब इससे हमें रखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर f1 की वैल्यू निकालनी है, y2 इज इक्वल टू अपना हो गया 3.6 डिवाइडेड बाई आपका 1.2 बराबर 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8f1 स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, ये आ गया 3 और 3 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया 6, 6 में इस तरफ लाए तो ये हो गया 7। ठीक है, और 7 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 8f1 स्क्वायर = 49। तो f1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो f1 स्क्वायर = 48 डिवाइडेड बाई 8 बराबर आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 6 आ गया, तो f1 = आ जाता है हमारा 2.449। इस हिसाब से आंसर हुआ f1 = 2.449। अब यहाँ पर कितने होशियारी की गई है, दोनों वैल्यू दी गई हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि जब फ्रॉड नंबर की ये वैल्यू आएगी तो जंप किस तरह का रहेगा, 1 to 1.7 तक अंडुलर जंप रहता है, और 1.7 to 2.5 तक जो बीक जंप फॉर्म होता है। तो ये हमारा आंसर कहेगा आपका ऑप्शन ए, फ्रॉड नंबर की वैल्यू रहेगी 2.445 और जंप फॉर्मेशन होगा बीक जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ हेड रेगुलेटर। दो तरह के होते हैं, एक होता है
हेड रेगुलेटर, एक होता है क्रॉस रेगुलेटर। दोनों की फंक्शन हमें पता होना चाहिए। हेड रेगुलेटर जो है, जो नई कैनाल बनाई गई है उसमें लगाया जाता है, और क्रॉस रेगुलेटर है जो पेरेंट कैनाल आ रही है, मेन कैनाल होती है उसमें रहता है। तो पेरेंट क्रॉस रेगुलेटर पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर लगाया है नई कैनाल में। तो ये आपका पूछा गया है नॉट, मतलब हेड रेगुलेटर का कौन सा फंक्शन नहीं है, वो किसके रहेंगे, आपके क्रॉस रेगुलेटर, टू रेगुलेट और कंट्रोल द सप्लाई एंटरिंग द ऑफ टेकिंग चैनल, टू इफेक्टिवली कंट्रोल द इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो ये क्रॉस रेगुलेटर का है। टू सर्व एज ए मीटर फॉर मीजरिंग डिस्चार्ज, तो ये भी इस तरह से ऑप्शन बी क्या है, आपका हेड रेगुलेटर का फंक्शन नहीं है। ये आपका हुआ 128, तो ये फंक्शन हो जाएगा क्रॉस रेगुलेटर का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। इफ इरिगेशन वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इरिगेशन वाटर इज कैरिंग CaMg एंड Na कंसंट्रेशन एज 5, 3 एंड 38 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एंड टाइप ऑफ वाटर, SAR की वैल्यू निकालनी है। SAR का फॉर्मूला रहता है अपना Na डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Ca प्लस Mg डिवाइडेड बाय 2। Na यहाँ पर दिया हुआ है आपका, Na बाद में दिया है, Na दिया है 38 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले दिया है Ca, Ca 5 प्लस Mg 3 डिवाइडेड 5 3 8/2, 4 4 का स्क्वायर रूट किया तो ये आ गए 2, 38 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका आ गया 19। अब ये जो 19 रहता है तो ये हमारा रहता है आपका हाई सोडियम वाटर, ठीक है 19, तो ये रेंज दी हुई है कि तो 18 से जो 26 की वैल्यू होती है हाई सोडियम वाटर की, जो रेंज है वो है 18 से 26, अपनी वैल्यू आई है 19, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आपका हाई सोडियम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द आउटलेट ऑफ ए वाटर सेट ए ट्राइंगुलर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विथ ऑर्डिनेट 6 m³ पर सेकेंड एंड बेस 6 आवर इज डेवलप्ड, देन एरिया किलोमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द वाटर सेट इज, तो ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका शेप बताया है कि ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट जो है हमारा 6 m³ पर सेकंड है। यहाँ पर हमारा रहता है रन ऑफ और यहाँ पर रहता है हमारा टाइम बेस, तो ये टाइम जो है वो दिया हुआ है हमारा बेस 6 आवर, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये भी क्या देता है, ये जो एरिया देता है रन ऑफ या वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल आ गया, तो ये रन ऑफ आ गया अपना। तो रन ऑफ जो है आपका ये जो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 बेस यहाँ पे है आवर और डिस्चार्ज है सेकंड में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हाइट हो गई 6 और बेस हो गया 6 और ये है 3300। यही ये पूरा रेनफॉल कहाँ पर था हमारा, जो एरिया था उसका एरिया था ए स्क्वायर किलोमीटर। अब ए स्क्वायर पर रेनफॉल यदि यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो डेप्थ क्या हो जाएगी हमारी 1 cm। एरिया हमारा किस में निकालना है, स्क्वायर किलोमीटर में, तो यदि एरिया स्क्वायर किलोमीटर में तो यहाँ पर हम ए को 1 × 10⁶ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और डेप्थ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/100।
तो इससे हमारा क्या है आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये दोनों को बराबर, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3600 बराबर ए इंटू 10^6 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ये हमारा आ जाता है आंसर, ए इज इक्वल टू 6.48 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, द हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज वी वन इज इक्वल टू वी सी। यहाँ पर हमको क्या करना है, आपका हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू होता है वी सी माइनस वी टू अपॉन 2g का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, v1 इज इक्वल टू vc, vc क्या है एरिया एट बना कॉन्ट्रैक्टर, तो vc को हम रिप्लेस कर देंगे v1 से, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ऑप्शन क्या हुआ, डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अल्टरनेटिव डेप्थ इज यूज इन ओपन चैनल फ्लो टू डिनोट द डेप्थ हैविंग द सेम फॉर ए गिवन। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है और यहाँ पर हमें दो अल्टरनेट डेप्थ मिलती है और दोनों ही जगह देखेंगे तो अपना एक्स एक्सिस पे क्या है स्पेसिफिक एनर्जी सेम है, तो इन्हीं दोनों डेप्थ को बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेम स्पेसिफिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई इज द स्पेसिफिक एनर्जी एट ए सेक्शन इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो देन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए जी वी एल। जी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जनरल इक्वेशन है जिसमें dEydx इज इक्वल टू होता है आपका s0 माइनस sf। तो आपका ऑप्शन हुआ s0 क्या है बेड स्लोप, sf है एनर्जी स्लोप, दोनों स्लोप है s फॉर स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर चैनल 2.5 मीटर वाइड कैरीज वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। ये रेक्टेंगुलर चैनल है और इसमें कैनाल में फ्लो हो रहा है, इसकी डेप्थ ऑफ वाटर 1.2 मीटर है और इसकी विड्थ जो है 2.5 मीटर है। बेड स्लोप दिया हुआ है, एस जो है वो 0.0036 है। कैलकुलेट द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द बाउंड्री। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि एवरेज शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है टाउ एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारा गामा आर एस नॉट। आर क्या है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस, आर इज इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक रेडियस मीन्स ए डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस, इसका एरिया कितना हो जाएगा वेटेड एरिया, ये आपका पी हो गया आपका, एरिया इज इक्वल टू हो गया 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा बी प्लस 2 बाई, बी कितना हो गया हमारा 2.5 प्लस 2 इंटू 1.2, तो ये आ गया हमारा 4.9 मीटर। और जो एरिया है आपका मल्टीप्लाइड किया 2.5 तो ये हो गया हमारा 3 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी
आर इज इक्वल टू ए, थ्री डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू 0.612 मीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करा, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, गामा मतलब रो जी, रो कितना होता है पानी का 1000, और जी यदि हमने 9.81 ले लिया, आर की वैल्यू 0.612 है, और स्लोप जो है हमारा एस नॉट है आपका 0.0036, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 21.58 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, 21.58। ये फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। एवरेज शियर स्ट्रेस एट बाउंड्री इज गिवन बाई गामा आर एस नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी MPPSCAE में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट फोर्स FL इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, तो FL इज इक्वल टू होता है हमको 1/2 रो या CL रो ए वी स्क्वायर बाई 2, जो मुझे याद है CL ए रो वी स्क्वायर, यहाँ से मैच कर लेते हैं, ये 1/2 आ गया, रो आ गया, ए भी आ गया, वी स्क्वायर CL, तो ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। डायरेक्ट लेफ्ट हैंड ड्रैग का फॉर्मूला है। बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन डील, इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन से हमको मिलता है बर्नौली इक्वेशन, डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास से तो हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलता है, तो यहाँ पर जो है आपका बर्नौली इक्वेशन किस पर आधारित है, एनर्जी इक्वेशन पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए टोटली ड्राउंड ऑर्फिस 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इफ द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल ऑन द बोथ द साइड ऑफ ए ऑर्फिस बी 3 मीटर, मतलब जो आपका ऑर्फिस के दोनों साइड जो है H1 और H2 का जो डिफरेंस है ड्राउंड, H बराबर आपका H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, फुली सबमर्ज बियर का, आपका फुली सबमर्ज ऑर्फिस का क्वेश्चन आया है, तो उसका डिस्चार्ज दिया जाता है Q इज इक्वल टू CdV H2 माइनस H1 अंडर रूट 2gH, CD की वैल्यू 0.62 है, यहाँ पर एरिया जो है आपका बी हो या एरिया, एरिया कितना हो गया आपका 2 × 1, ये ऑर्फिस का साइज हो गया, और हेड दोनों तरफ का हेड डिफरेंस 3 मीटर, स्क्वायर रूट 2gH, तो 2 × 9.81 × 3, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9.513 m³/s। ये हुआ हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रीम फंक्शन साई Xq − Yq इज ऑब्जर्व फॉर ए 2-dimensional फ्लूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमारी यू और वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी भी, हमको वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है, 0.1 और यहाँ पर निकालना है 1 − 1 पर, राइट, तो यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहता है कि जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जबकि हमारा साई क्या है आपका, इसको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3y2। इस साई को हमने विथ रिस्पेक्ट वाई डिफरेंस किया तो ये आ गया। इसी तरह से भी होता है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल साई वाई डेल एक्स, तब इसको भी एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x2 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ये प्लस होता है और ये क्या है माइनस होता है, तो दोनों ही माइनस हो गए। अब एक्स बराबर है 1 और वाई बराबर है अपना -1, तो एट पॉइंट 1-1 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी यू इज इक्वल टू -3y2 -3 × -1² इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -3, और ये भी इज इक्वल टू आ जाएगा -3x2, तो x बराबर 1 × 1² तो ये आ जाएगा -3। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी √u² + v² ये आ गया हमारा -3² + -3² 9 9 18 हो गया आपका, और 18 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया। 18 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 से ज़्यादा हो गया, 4.24 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉडल ऑफ ए रिजर्वायर इरिगेशन और फ्लूड मैकेनिक्स में देख रहे हैं कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए हैं सॉइल में, इरिगेशन और फ्लूड मैकेनिक्स में। ए मॉडल ऑफ रिजर्वायर इज ड्रेन्ड इन 5 मिनट बाई ओपनिंग ए स्लूस गेट, द मॉडल स्केल इज 1:250। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू एम्प्टी द प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर रिजर्वायर का है, फ्लो कैसा रहेगा आपका ग्रेविटी की वजह, इम्पोर्टेंट जो फोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स से हम मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप को डील करते हैं तब फ्रॉड नंबर को लेते हैं यहाँ, और जब विस्कस फोर्स को लेते हैं तो रेनॉल्ड नंबर। अब यहाँ पर जो है LR की वैल्यू दी हुई है, स्केल रेशियो LR इज इक्वल टू मॉडल स्केल क्या हो जाएगा हमारा LM/LA इज इक्वल टू दिया है 1/256। निकालना क्या है हमको टाइम, और किसमें निकालना है प्रोटोटाइप में, तो TR हमको पता करना है, तो TR इज इक्वल टू हो जाएगा TM/TP। लेकिन यहाँ पर जो टाइम रेशियो रहता है, टाइम रेशियो फ्रॉड नंबर के केस में आपका मॉडल रेशियो का 1/2 होता है, स्क्वायर रूट होता है, मतलब आपका TM/TP इज इक्वल टू LR/1/2। तो यहाँ पर टाइम किस में दिया हुआ है, मॉडल का टाइम, मॉडल जो है रिजर्वायर का 5 मिनट में हो रहा है, तो TM = दिया हुआ है हमको 5 मिनट, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5/TP = LR 1/256 का स्क्वायर रूट, 1/256 का स्क्वायर हो गया सोनम 15 × 216 1/16 TP = 16×5 = 80 मिनट, तो ये अपना 80 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लैट प्लेट ऑफ साइज, ये फ्लैट प्लेट ऑफ साइज 2 m × 3 m ए फ्लैट प्लेट ऑफ साइज 2 m × 3 m इज समाइज इन वाटर फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 m/s। फाइंड द ड्रैग
फाइंड द ड्रैग इन किलो न्यूटन इफ सी डी इज इक्वल टू 0.04। तो यहाँ पर क्या है, आपने को ड्रैग फोर्स निकालना है। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा सी डी रो प्रोजेक्टेड एरिया, कैलकुलेशन की दिक्कत आ जाती है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सी डी ए रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पर सी डी दिया है 0.04, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 हो गई आपकी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया 2 × 3 और आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है 5² / 2। तो ये हमारा आ जाता है 3000 न्यूटन। 3000 न्यूटन मतलब 30 किलो न्यूटन। आंसर पूछा गया है किलो न्यूटन में, तो 3 किलो न्यूटन आएगा। 3000 का मतलब हुआ आपका 3 किलो न्यूटन। फिर हुआ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+6 फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 पैनल्स ऑफ 13 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक जो रेल है उसमें स्लीपर डेंसिटी दी हुई है m+6। इसका मतलब है कि एक रेल के पैनल में आपको जो कि 13 मीटर का दिया हुआ है, तो इसमें कितने स्लीपर हो जाएंगे, m+6 का मतलब हो गया 13 + 6 = 19 स्लीपर पर रेल यूज होंगे। तो ये स्लीपर डेंसिटी से आ गया। अब हमको क्या करना है, 100 पैनल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कितने स्लीपर लगेंगे। तो एक रेल में हो गए आपके 19, तो 100 रेल में हो जाएंगे 19 × 100 = 1900 स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 पैनल्स ऑफ 13 मीटर ईच, तो टोटल हो जाएंगे 1900। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टॉप विड्थ ऑफ बैलास्ट फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे इज। तो ये बैलास्ट सेक्शन की विड्थ हमको याद करना है। तो ब्रॉड गेज के लिए रहती है ये 3.35 मीटर, मीटर गेज के लिए 2.25 मीटर और नैरो गेज के लिए 1.5। इसलिए डाल दिए हैं कि ये डाटा, ये टेबल बैलास्ट वाले चैप्टर की बड़ी उपयोगी है, अपने को तैयार करना है। तो 3.35 मीटर ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर टू सेंटर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ फॉर्मेशन फॉर डबल रेलवे लाइन, यदि दो ट्रैक हैं बीजी पर, ठीक है, तो उनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है मिनिमम, इससे कम रेलवे ट्रैक पास में नहीं आना चाहिए, तो ये वैल्यू रहती है 4725 mm मिनिमम। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। द टाइप ऑफ फास्टनिंग दैट कैन बी फिक्स्ड ऑन वुडन स्टील कास्ट आयरन एंड कंक्रीट स्लिप, ऐसी फिटिंग जो सभी तरह के स्लीपर से यूज कर सकते हैं, वुडन स्टील CI और कंक्रीट। तो ये होती है हमारी पेंड्रोल क्लिप। IRN202 क्लिप जो होती है वो हमारी टू ब्लॉक RCC स्लीपर के साथ यूज कर सकते हैं, और टू वे की जो होती है वो सिर्फ हमारी ST स्लीपर के साथ यूज होती है, स्टील ट्रफ स्लीपर के साथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम
अलाउिंग सुपर एलिवेशन ऑन ब्रॉडगेज इन इंडियन रेलवेज अंडर नॉर्मल कंडीशन में जी वाई 10 रहता है, तो ये जो हमारा लगभग क्या आता है 165 mm। वैसे 165 mm ब्रॉडगेज के भी क्या होते हैं, पांच रूट होते हैं ब्रॉडगेज में। तो ए बी सी के लिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 165 mm, और ब्रॉडगेज में ही यदि हमारा रूट डी और ई है तो इसकी वैल्यू है हमारी 140 mm। ठीक है, और स्पेशल कंडीशन में यहाँ 165 से ज़्यादा स्पीड है तो वहाँ तो ये नॉर्मल कंडीशन वाला तो होना ही नहीं है, तो ये आपका ब्रॉडगेज में मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या रहेगा, 165 mm। 100 mm किसके लिए रहता है, मीटर गेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ क्रॉसिंग द मेथड यूज इन इंडियन रेलवे में क्रॉसिंग का नंबर डेजिनेट करने के लिए हम राइट एंगल मेथड को यूज करते हैं। राइट एंगल मेथड इंडियन रेलवे यूज करती है। तो ये हो गया आपका 146। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाई ए राइजिंग ग्रेडियंट। यदि रेलवे ट्रैक है तो इसमें आपका ये आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, और इसके बाद तो इसकी वजह से फॉलिंग की वजह से राइजिंग की वजह से जो मोमेंटम जनरेट होता है वो इसको ट्रेन को आगे चढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए इस ग्रेडियंट को बोलते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। गेज टॉलरेंस फॉर ब्रॉड गेज ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक के लिए गेज में कितना वेरिएशन अलाउ है। माइनस का मतलब होता है टाइट गेज, टाइट मतलब जो 1.67 1676 होता है ना, इससे 3 mm कम हम गेज यदि कम होगा तब भी चल जाएगा। और प्लस का मतलब होता है सिलेक्ट, तो कम नहीं होना चाहिए, टाइट गेज प्रॉब्लम करता है, व्हील रगड़ेंगे तो ये जो रहेगी वैल्यू -3 mm एयर टाइट टू +6 mm स्लैक। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट करेक्टली द गिवन नेचर ऑफ रेजिस्टेंस विद इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे टेक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.016, ये हमारा रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, वेट के ऊपर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन वेट। तो वन का हो गया बी, वन का बी। और रेजिस्टेंस ड्यू टू वेव एक्शन, वेव एक्शन का होता है ये हमारा वेट के ऊपर भी है और स्पीड के ऊपर रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन वेट एंड स्पीड डब्ल्यू भी, और यहाँ सिर्फ डब्ल्यू है, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा डब्ल्यू भी स्क्वायर। तो ये जो हमारा बी का हो गया पहला, ये हो गया आपका बी का, तो सेकंड का ए राइट हो गया, सेकंड का ये हो गया। और रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड जो रहेगा वो हमारा स्क्वायरली डिपेंडेंट रहेगा, तो ये हो गया हमारा थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड टू इंटरलॉकिंग ऑन इंडियन रेलवेज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्टैंडर्ड वन जो इंटरलॉकिंग होती है उसमें मैक्सिमम परमिसेबल स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग, ये जो स्पीड है वो है 50 km/h, और स्टैंडर्ड टू में 75 km/h से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 75 दिया नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एवर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप संभव इंजीनियर्स का ऐप भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे जो हमारा जल्दी से जल्दी ये जो मध्य प्रदेश जीके का पेपर है उसको भी सॉल्व किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।